पॉसिबली एश गेंगर को रिलीज कर सकता है ऐसे एक हिंट हमको मिला है पोकेमोन मोहन एपिसोड 91 के इन में सो so, क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा एंड किस रीजन से ऐश गेंगर को रिलीज कर सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर सो so, वीडियो को अंत तक देखो एंड ऑफ कोर्स लाइक कर देना वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड शेयर कर दो आपके फ्रेंड के पास कमेंट करके बताना आपका ओपिनियन क्या है कि आप मेरे साथ सेम ओपिनियन रखते हो कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना सो क्यों एश गेंगर को रिलीज करेगा इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूँ पोकेमॉन एपिसोड नाइन्टी वन के अंदर आई मीन जानिस के अंदर एपिसोड नाइन्टी वन के जो इन था इनके अंदर हमको ऐसे कुछ देखने का मिला जिसके मदद से हमको ये तो लगता है कि गेंगर को ऐसे रिलीज कर सकता है सो so, क्यों रिलीज करेगा मैं आपको बताता हूँ पहले आपको बताता हूँ कि एपिसोड नाइन्टी वन के अंदर क्या हुआ था सो एपिसोड नाइन्टी वन के अंदर इन के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर ऑन ऑन गेंगर को बहुत ही स्ट्रेंज़ तरीके से देख रहा होता था, था बट गेंगर जब अनियन की तरफ देखता है अनियन दूसरी तरफ मुंह को फेर लेता है तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान से देखो ध्यान से आप देखो यहाँ पर जब अनियन गेंगर की तरफ देखता है बट गेंगर जब अनियन की तरफ देखता है तो अनियन दूसरी तरफ मुँह को फेर लेता है तो यह पर क्या हो सकता है आनी और ऐश के पास बोल सकते हैं कि तुम अपने कैंकर को मेरे पास छोड़ दो मैं उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दूंगा एंड उसको बहुत ही पावरफुल बना दूंगा इस तरह का कोई बात हो सकता है सो ऐश भी इसके ऊपर एक रि कर सकते जैसे कि आपने देखा था गुड्रा के जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर भी गुड्रा को ऐश छोड़ दिया था मंकी आई I मीन mean, उसके बाद बहुत से पोकेमोन हैं जिसको ऐश ने छोड़ दिया था बहुत से रीज़न के कारण से बट इस बार गेंगर को भी ऐश रिलीज कर सकता है सो ये पूरा का पूरा कॉन्फर्म न्यूज़ नहीं है बट मुझे लगा ये जो हिंट मिला है उसके मदद से ये ये तो देखने के लिए मिलता है तो आज कल इतना ही फिर मिलेंगे नया वीडियो के अंदर